नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड के मतदाता जागरूकता के लिए रील बनाकर पाए 10 लाख तक का इनाम। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने झारखंड वोटर अवेयरनेस कंटेंट को लेकर कलाकारों के साथ कार्यशाला आयोजित की है। बताया गया है कि मतदाता जागरूकता पर शॉर्ट फिल्म, म्यूजिक वीडियो, रील मेकिंग व पोस्टर मेकिंग के 4 वर्ग की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर 10 लाख रुपये तक का पुरस्कार जीता जा सकता है। प्रतियोगिता में प्रविष्टि की आखिरी तिथि 31 मार्च 2024 रखी गई है। श्री रवि कुमार ने कहा है कि कलाकार लोकतंत्र के महापर्व के प्रचार प्रसार में भागीदारी बनकर अपनी कला का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने के साथ पुरस्कार भी जीत सकते हैं। उन्होंने बताया है कि नेशनल वोटर अवेयरनेस कंटेंट की तर्ज पर झारखंड में वोटर अवेयरनेस कंटेंट आयोजित किया जा रहा है। सभी आयु वर्ग के लोग इसमें हिस्सा ले सकते हैं। प्रविष्टियां प्राप्त होने के बाद मुख्यालय स्तर पर गठित निर्णायक मंडली बेहतर रचनाओं को पुरस्कृत करने के लिए चयनित करेगी। प्रतिभागी के सोशल मीडिया एंगेजमेंट भी पुरस्कार का आधार होंगे। प्रतियोगिता की विस्तृत जानकारी राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट से भी प्राप्त की जा सकती है। रांची में बारिश की वजह से सड़कों पर भरा पानी। राजधानी रांची में मंगलवार को करीब 1.5 घंटे तक झमाझम बारिश हुई। बारिश से जहां तापमान में गिरावट आई, वहां शहर की ज़्यादातर सड़कों पर पानी जमा हो गया। वहीं नालियां जाम होने के कारण बारिश का पानी सड़कों पर बहने लगा। इससे वाहन चालकों व राहगीरों को काफ़ी परेशानी हुई है। ज्ञात हो कि शहर में इन दिनों 3 जगहों पर फ्लाई ओवर का निर्माण किया जा रहा है। इस कारण उक्त सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। वहीं बाई लेन पर मिट्टी भी काफ़ी बिखरी हुई है। ऐसे में बारिश के बाद पूरी सड़क कीचड़मय हो गई है। इससे वाहन चालकों को काफ़ी परेशानी हुई। कई बाइक सवार फिसल कर गिर भी रहे हैं। दुमका में बोले सीएम चंपई, 20 लाख लोगों को देंगे अबुआ आवास। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने दुमका जिले के कमार दुधानी स्थित स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में दुमका, देवघर और जामताड़ा जिले के 25,385 लाभुकों के बीच अबुआ आवास का स्वीकृति पत्र वितरण किया और इनके निर्माण के लिए प्रथम किस्त जारी की। इसमें दुमका के 9827, जामताड़ा के 5711 और देवघर के 9847 लाभुक शामिल थे। इनके बीच कुल 76,15,00,000 रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी गई। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत 20 लाख लोगों को घर देना है। वर्ष 2027 तक सभी जरूरतमंदों को अबुआ आवास के तहत पक्का मकान मिल जाएगा। झारखंड में अब तक बजट की सिर्फ 64% ही राशि खर्च। झारखंड सरकार अब तक वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में से सिर्फ 63.95% राशि ही खर्च कर पाई है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति में अब सिर्फ 1.5 महीने ही बचे हैं। ऐसे में 36% राशि खर्च करना सरकार के लिए चुनौती बन गई है। राज्य सरकार का कुल बजट 1,16,418 करोड़ रुपए का है। जानकारी के अनुसार इस बार भी भारी भरकम राशि सरेंडर होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि वित्तीय वर्ष के अंतिम समय में खर्चों में तेजी आती है। बता दें, झारखंड सरकार अब अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट की तैयारी कर रही है। 16 फरवरी को चंपई सरकार के कैबिनेट का विस्तार होना है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आहूत किया जाएगा। जेईई मेन परीक्षा में 99.98% के साथ राजवीर सिंह झारखंड टॉपर। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी जेईई मेन 2024 परीक्षा सत्र 1 के परिणाम घोषित हो चुके हैं। देश भर के 291 शहरों के 544 केंद्रों पर आयोजित परीक्षा में 23 छात्रों ने 100% हासिल किए हैं। हरियाणा के आरव भट्ट ने 100% के साथ देश में पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि द्विजा धर्मेंद्र कुमार पटेल छात्राओं में अव्वल रही है। वहीं 99.98% हासिल कर झारखंड के राजवीर सिंह झारखंड टॉपर बना है। बता दें, जेईई मेन 2024 परीक्षा के सत्र 1 में कुल 12,21,624 छात्राओं ने आवेदन किया था। इनमें से 95.8% परीक्षार्थी यानी 11,70,048 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। नक्सलियों और सीआरपीएफ के बीच मुठभेड़। बोकारो जिले के झुमरा पहाड़ की तलहटी में मंगलवार सुबह 7 बजे से नक्सलियों से सीआरपीएफ कोबरा बटालियन व झारखंड पुलिस जगुआर की मुठभेड़ चल रही है। बेरमो अनुमंडल अंतर्गत गोमिया प्रखंड के चतरोचट्टी थाना क्षेत्र के चुट्टे पंचायत में गिधौनिया के चैटियाटाड़ दंडरा जंगल में नक्सलियों से कोबरा व जगुआर टीम का आमना सामना हो गया है। फिर दोनों ओर से गोलीबारी शुरू हो गई।
मुठभेड़ की पुष्टि बोकारो एसपी प्रियदर्शनी आलोक ने की है। सूचना मिली थी कि नक्सलियों के दस्ते की इसी जंगल में गतिविधि है। ऐसे में इस बात के पक्के होने पर कोबरा बटालियन ने ऑपरेशन शुरू कर दिया, साथ ही झारखंड पुलिस भी है, दोनों ओर से गोलीबारी चल रही है। राहुल गांधी अचानक दिल्ली लौटे, झारखंड यात्रा स्थगित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी किसान आंदोलन के मद्देनजर मंगलवार को भारत जोड़ो न्याय यात्रा बीच में छोड़कर छत्तीसगढ़ के अमरीकापुर से दिल्ली रवाना हो गए, जिसके बाद न्याय यात्रा का झारखंड में दूसरा चरण स्थगित कर दिया गया। पहले पार्टी की ओर से यह कहा गया था कि न्याय यात्रा अपने तय कार्यक्रम के अनुसार चलेगी, सिर्फ राहुल इसमें शामिल नहीं होंगे। बाद में देर रात कांग्रेस की झारखंड इकाई के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बताया है कि यात्रा का झारखंड में दूसरा चरण पूरी तरह स्थगित कर दिया गया है। इसमें राहुल को गढ़वा और पलामू में दो दिन तक रुकना था और इनकी कई जगह सभा प्रस्तावित थी। हालांकि ठाकुर ने कहा है कि रंका में जो मनरेगा की जन सुनवाई होने वाली थी उसमें वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर और कन्हैया कुमार शिरकत करेंगे। झारखंड उच्च न्यायालय में निकली नियुक्ति। झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड उच्च न्यायालय रांची में 55 सहायक पदों को आमंत्रित और अधिसूचित किया है। आवेदन प्रक्रिया 20 फरवरी से शुरू होगी और आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 22 मार्च है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट झारखंडहाईकोर्ट.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दें, झारखंड हाईकोर्ट भर्ती 2024 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से स्नातक या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए और कंप्यूटर पर टाइपिंग की अच्छी स्पीड होनी चाहिए। झारखंड की बंजर भूमि पर होगी कैक्टस की खेती। झारखंड की बंजर भूमि को हरा भरा करने के लिए सरकार कटा रहित कैक्टस की खेती की ओर कदम बढ़ा रही है। ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव अवध नारायण प्रसाद ने कहा है कि राज्य सरकार झारखंड की कुल 68% बंजर भूमि को जीवंत बनाने के साथ उसे उपयोगी और कमाई का जरिया भी बनाने की पहल कर रही है। वे मंगलवार को ग्रामीण विकास विभाग के तहत झारखंड स्टेट वाटर शेड मिशन के तत्वाधान में प्रमोशन ऑफ स्पाइलेस कैक्टस प्लांटेशन एंड कल्टीवेशन पर आयोजित कार्यशाला में बोल रहे थे। उन्होंने कार्यशाला में वाटरशेड क्षेत्रों से आए किसानों से कहा है कि वे सिर्फ जमीन दे और देखभाल की जिम्मेदारी उठाए, विभाग उसके बाद कैक्टस की खेती की सारी जरूरतें पूरी करेगा। जूनियर इंजीनियर का रिजल्ट जारी करने को लेकर विधायक से मिले अभ्यर्थी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जूनियर इंजीनियर के अभ्यर्थी परीक्षा फल जारी करवाने की मांग को लेकर विधायक दीपिका पांडे सिंह से मुलाकात की। अभ्यर्थियों ने बताया है कि जूनियर इंजीनियर की परीक्षा इस बार TCS जैसी विश्वसनीय एजेंसी से ऑनलाइन माध्यम द्वारा बिल्कुल स्वच्छ और निष्पक्ष रूप से कराई गई है। इसके बावजूद आयोग के ढुलमुल रवैया के कारण इसका परीक्षा फल 4 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक जारी नहीं किया गया। अभ्यर्थियों ने विधायक को बताया है कि अगर सरकार इसका परीक्षा फल जारी कर देती है तो 1562 परिवारों में तो खुशियां आएगी ही, साथ साथ सरकार और JSSC की छवि भी सुधरेगी। झारखंड कैबिनेट की बैठक 15 फरवरी को। झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक 15 फरवरी को होगी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में शाम 5 बजे प्रोजेक्ट भवन में बैठक होगी। आपको बता दें कि 12 फरवरी को झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई थी। बैठक में 25 प्रस्ताव पर मुहर लगी थी। 15 फरवरी को होने वाली कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा 2 ही मंत्री शामिल होंगे, क्योंकि 16 फरवरी को मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। बता दें कि चंपई सरकार की यह 3री मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। पारा शिक्षकों के लिए खुशखबरी। झारखंड के सहायक अध्यापकों यानी पारा शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। उनके मानदेय में वार्षिक वृद्धि की प्रक्रिया चंपई सोरेन सरकार ने शुरू कर दी है। सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली के अनुसार शिक्षक के मानदेय में प्रति वर्ष 4% का इंक्रीमेंट होना है। बता दें, झारखंड शिक्षा परियोजना की ओर से शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर पत्र जारी कर दिया गया है। इसके लिए शिक्षकों की सेवा संतोषप्रद होना का सत्यापन करना अनिवार्य है। वहीं पत्र के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों की सेवा का सत्यापन पंचायत स्तर से और कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षकों का सेवा सत्यापन प्रखंड स्तर से होना है। अभी जेल में ही रहेंगे हेमंत सोरेन। PMLA कोर्ट ने जमीन घोटाले के आरोप में गिरफ्तार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत अवधि 22 फरवरी तक बढ़ा दी है। गिरफ्तारी के दूसरे दिन अदालत में पेशी के बाद अदालत ने हेमंत सोरेन को न्यायिक हिरासत में लेते हुए बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार भेज दिया गया था। अगली पेशी के लिए 13 फरवरी की तिथि निर्धारित की गई थी। मंगलवार को न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म हो रही थी, जिसके बाद अदालत ने हिरासत अवधि 22 फरवरी तक बढ़ा दी है। अगली निर्धारित तिथि को हेमंत सोरेन के साथ निलंबित राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप
प्रसाद भी वीसी के माध्यम से जेल से पेशी की जाएगी। हेमंत सोरेन की रिहाई को लेकर उपवास रखेंगे जेएमएम कार्यकर्ता। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पक्ष में आंदोलन आरंभ करने का निर्णय किया है। हेमंत सोरेन की रिहाई के लिए पार्टी कार्यकर्ता उपवास पर रहेंगे। जन जागरण के लिए झामुमो न्याय यात्रा निकालेगा। राज्य में सभी जिलों में झामुमो की न्याय यात्रा निकाली जाएगी। महात्मा गांधी, भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू सहित महापुरुषों की प्रतिमा के पास जिलावार उपवास का कार्यक्रम तय किया गया है। राजधानी रांची में न्याय यात्रा 15 फरवरी से शुरू होगी। वहीं 20 फरवरी तक सभी जिलों में यह यात्रा आरम्भ होगी। झामुमो महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडे ने बताया है कि न्याय यात्रा के दौरान आम लोगों को भाजपा के षड्यंत्र से वाकिफ कराया जाएगा। सिपाही नियुक्ति में उम्र सीमा में छूट मामला। झारखंड हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस चंद्रशेखर व जस्टिस एके राय की खंडपीठ में सिपाही नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन में उम्र सीमा में छूट के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने मंगलवार को विस्तृत सुनवाई के लिए याचिका सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में मोहित कुमार, पंकज सहित अन्य ने याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि नियुक्ति के लिए उम्र सीमा की गणना वर्ष 2019 निर्धारित की गई है, जबकि इसे वर्ष 2016 किया जाना चाहिए। जेएसएससी की ओर से जारी विज्ञापन में वर्ष 2015 से रिक्त पदों पर नियुक्ति की बात कही गई। ऐसे में इस उम्र सीमा का निर्धारण वर्ष 2016 होनी चाहिए, जबकि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जारी विज्ञापन में उम्र सीमा वर्ष 2019 कर दिया गया है। धन्यवाद।